फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए होम रेमेडी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल है। आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, नी में पेन होता है, या कहीं भी आपको जोड़ों का दर्द है, कैल्शियम की कमी है, कमर में दर्द होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगा। आपको इसको सप्ताह में 2 से 3 बार पीना है, और अगर आप इस मिल्क को पीते हैं तो आपको कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो में पहले मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी, उसके बाद इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं आपको वो मैं बताऊंगी। तो चलिए, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूँ। तो चलिए आज की रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1 गिलास मिल्क, उसको हमें अच्छे से बॉयल करना है। थोड़ा बॉयल होने के बाद फिर हम इसके अंदर क्या क्या डालेंगे वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने 10 से 12 मखाने लिए हैं, और ये मखाने जो होते हैं वो जो हमारे घुटने और कमर का दर्द होता है उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है सौंफ। सौंफ जो होती है उसकी तासीर ठंडी होती है। और यहाँ पे हमने लिया है खस और हनी लिया है, और हनी की जगह आप मिश्री ले सकते हैं। और जो खसखस होता है उसके अंदर ओमेगा 3 पाया जाता है। पहले यहाँ पे हम मिल्क को अच्छे से बॉयल करने के बाद फिर यहाँ पे मैं मखाने ऐड कर दूँगी, उसके बाद इस सौंफ और यहाँ पे खसखस को मैं ऐड कर दूँगी। और जो मखाना होता है वो क्या होता है, उससे जो तनाव होता है वो कम होता है, और हमें मखाना खाने से अच्छी नींद आती है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 खजूर ऐड किया है जो कि हमारे हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो हीमोग्लोबिन कम होता है उसकी पूर्ति होती है, तो इस खजूर का जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा आता है और हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद हम यहाँ पे अच्छे से इसको बॉयल कर लेंगे, और हमें बॉयल तब तक करना है जब तक कि इसमें एक कलर चेंज नहीं हो जाए और बहुत अच्छे से बॉयल नहीं हो जाए तब तक हमें करना है। उसके बाद हम इस देख सकते हैं आप कितने अच्छे से बॉयल हो गया, इसका कलर भी चेंज हो गया है। और फिर उसके बाद हम इसको एक बाउल में या ग्लास में कहीं भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, आप चाहें तो छान भी सकते हैं। इससे पहले मैंने इस टाइप की एक वीडियो और बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि इसको हमें लेना कैसे है। तो इसको हमें खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना है, सोने से 1 घंटा पहले लेना है, और इसको हमें गुनगुना पीना है। गुनगुना पिएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके बाद आप इसको 1 महीने तक आप ऐसे ही लीजिए, वीक में 3 से 4 बार। उसके बाद आप इसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, जैसा भी आपको लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि इस रेमेडी को पीने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो मैं आगे बता रही हूँ। जो मखाना होता है उसके अंदर कैल्शियम बहुत अधिक पाया जाता है, और ये हमारे वेट को भी कम करता है और हमारे घुटने और कमर के दर्द को भी अच्छा करता है। और जो मिश्री होती है, मिश्री ठंडी होती है, तो मिश्री भी हमें इसके अंदर यूज कर सकते हैं, वो हम अच्छी होती है। खसखस होता है वो, उसमें हमें जो 1 चम्मच लेना है, और वो बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत सारे गुण उसके अंदर होते हैं, वो उसके अंदर ओमेगा 3 भी पाया जाता है। और जो मिल्क से हमें कैल्शियम मिलता है, और अगर हम इसे गुनगुना पीते हैं तो अनिद्रा की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है, और हमारे जो जोड़ों का और जो कैल्शियम की कमी है, घुटनों में दर्द रहता है, उसके लिए भी फ़ायदा करता है। मखाना खाने से हमारे जो तनाव होते हैं वो कम होते हैं और नींद अच्छी आती है। और हमें इस पहले के टाइम में, दादी नानी के टाइम में इन सब चीज़ों का बहुत यूज होता था, और कभी भी हमें कमर दर्द, घुटने दर्द की प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी बहुत कम एज में ही ये सब प्रॉब्लम होने लगा है। तो इन सब चीज़ों का हम यूज करके अपने जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं। आप 4 बार लीजिए वीक में, बाद में धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स फैमिली में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।